वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं आपसे ये अगेव प्लांट के ऊपर बात करने आई हूँ कि इनको कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए। और देखिए, इसके पीछे ये जो सदाबहार का पौधा रखा है, ये कितनी अच्छी सी इसकी फ्लावरिंग हो रही है। ये वही सदाबहार का प्लांट है जो मैंने एक हफ्ता पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये अगेव प्लांट मैंने अपने घर में जगह जगह रखे हुए हैं। अभी मैं आपके साथ जो है इसे दिखा रही हूँ। यहाँ भी अगेव कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, कि मैंने एक अगेव का प्लांट यहाँ भी रखा हुआ है। कितना प्यारा शेड है इसका, बहुत ही खूबसूरत है ये प्लांट। तो ये लीजिए, मैंने इनको उतार लिया है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दो छोटे छोटे बेबी इसमें हैं। अभी हम इसे एक छोटे छोटे सेपरेट पॉट में लगाएंगे। तो ये दो छोटे हमारे ऊपर से हमने उतारे हैं, इनको भी हमने रख दिया है ये। और ये बड़ा वाला, ये जो बाहर था, इसको भी मैं अंदर कुछ काम के लिए लाई हूँ। और ये मेरा एक कटिंग से ग्रो है, ये भी देखिए इसमें यूफोबिया मिली भी लगी है। और ये एक अलग वैरायटी है अगेव का। तो ये दोनों देखिए, एक ही दो प्लांट टाइप का प्लांट इसमें लगा है। और मिट्टी, क्योंकि इन दोनों को एक ही जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, इसलिए एक ही में मैंने लगाया है। और ये देखिए, ये है एक डिश पे, इसमें भी कितने छोटे छोटे देखिए आप ये बेबीज निकले हैं। वन इधर अंदर की तरफ एक और है। प्रोपगेशन में एक तो इसके बीज से, जब ये प्लांट मैच्योर होता है तो इसके बीज से एक लंबा सा इन्फ्लोरेंसेंस निकलता है, स्टिक के जैसा होता है। उसी में बेबी प्लांट से फ्लावर्स उसमें आते हैं और उसी में बेबी प्लांट इनके लगे होते हैं। तो अगर हम उन्हें निकाल के अलग से लगा दें तो भी ये प्लांट उसमें ग्रो हो जाएगा। और नहीं तो ये जो छोटे छोटे हमारे बेबी प्लांट्स हैं, इनको भी हम निकालते हैं तो इससे भी हम अलग पौधा बन जाएगा। देखिए, ये जो बेबी प्लांट्स होते हैं ना, इनको हम सब निकालते रहें टाइम टू टाइम, तभी ये एक बड़ा सा पौधा बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि ये भी जो है इस सॉइल को, अपने आप को बड़ा करने में इस सॉइल की न्यूट्रिशन को लेता रहेगा तो ये बड़ा नहीं होगा। तो आज मैं इन सबको निकालूंगी और प्रोपोगेशन करके अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए, इसके निकालने का तरीका ऐसे है कि इसको हम अच्छी तरीके से ऐसे हाथ से नीचे से ऐसे करके, ये ऐसे करके हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे। ये देखिए, मेरे हाथ में ये पूरा पौधा ये आ चुका है, छोटा सा प्लांट, बेबी प्लांट आ गया है। एक पौधा, एक वैरायटी इसमें से भी निकाल लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम अलग कर लेते हैं। और बाकी तो इसमें ये छोटे छोटे हैं, इनको अभी हम नहीं अलग करेंगे, इनको हम अलग करते हैं। ये देखिए, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो के आ गया। अब हम इसके, अब ये देखिए, दो वैरायटी का दो छोटा बेबी प्लांट मेरे पास है और मैं दो अलग अलग गमले में लगाऊंगी। देखिए, इस मिट्टी में मैंने जो है थोड़ा सा ये परलाइट का परसेंटेज भी डाला है, क्योंकि ये 4 इंच का ये पॉट है और अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो इतना जल्दी सूखेगा गर्मी में। तो मैंने इसमें थोड़ा परलाइट मिला दिया ताकि थोड़ा इसमें ये मॉइस्चर को होल्ड कर सके। तो अब देखिए इसे लगाना कैसे है। बस ये थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसकी हटाई और इसको ऐसे करके इसके अंदर रख दिया है। ये इसकी जड़ को अंदर की तरफ दबा देंगे, ये बस थोड़ा पानी इसमें पड़ेगा, आधा ग्लास, और ये बस इसको अच्छी तरह दबाएंगे ताकि एयर पॉकेट इसमें ना रह जाए। ये मैंने लगा दिया, इसी तरह हम दूसरे को भी लगाएंगे। ये इसकी मिट्टी थोड़ा ज़्यादा सूखी है, बस इसी तरह मैं इसको दूसरे को भी लगा दी। अब मैं इसका अपडेट आपको 15-20 दिन के बाद या एक महीने के बाद, जब ये अच्छी तरह थोड़ा ग्रो होने लगेगा, तब मैं दिखाऊंगी। ये दोनों बेबी मेरे लग गए हैं, एक दोनों अलग अलग वैरायटी हैं। इसका शेडेड है, ये प्लेन ग्रीन है। तो चलिए, अब ये प्लांट मेरे दोनों लग गए हैं बेबी प्लांट। अब इसमें हम वाटरिंग कर दें। देखिए, वाटरिंग कभी भी प्लांट आप लगाएं तो वाटरिंग आप ज़रूर करें, उसी टाइम वाटरिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी रूट में एयर पॉकेट रह जाएगा। तो देखिए, आपको कितनी वैरायटीज़ ये अगेव प्लांट की दिखाई दे रही होगी। एक पीछे भी देखिए, ये अलग वैरायटी है हमारा बड़ा वाला, ये जो दो पीछे लगा है, ये है एक, दो ये छोटे हैं, फिर इसमें ये अलग वैरायटी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, और ये एक अलग वैरायटी है। तो इस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के, और भी बहुत सारे वैरायटीज़ के होते हैं जो मेरे पास नहीं है। तो
तो क्योंकि ये डेजर्ट में मिलने वाला प्लांट है, इसलिए इसमें सैंड की को ज़्यादा रखेंगे। जब इसकी हम पॉट तैयार करेंगे तो इसमें हम सैंड का परसेंटेज ज़्यादा रखेंगे, और इनके पॉट में होल भी अच्छा होना चाहिए ताकि पानी इसमें रुके नहीं। देखिए इसकी मिट्टी मैंने कैसे बनाई है, इसकी मिट्टी में जो है बजरी का परसेंटेज ज़्यादा है। इसमें मोटी वाली बजरी भी है और महीन वाली भी है एक पार्ट, और एक पार्ट गार्डन सॉइल और एक पार्ट इसमें खाद है। और इस तरह इसमें देखिए बेबी निकले हुए हैं। तो ऐसी सॉइल इसको बहुत पसंद है। इसकी पत्तियां अगर देखिए, ये इसकी पत्तियां हैं, अगर ये यहाँ से जो है इसको टच होने लगती हैं तब हम क्या करें कि इनको काटते जाएं टाइम टू टाइम। अगर हम इनको नहीं काटेंगे तो ये यहाँ से टच हो करके और इनमें फंगस पैदा होने लगेगा और फिर ये प्लांट पूरा का पूरा जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इनकी पत्तियों को हमने देखिए यहाँ से ये काटा हुआ है, तो इनकी पत्तियों को हमें काटते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर ये घर में है तो पानी इसको एक हफ्ता या दो हफ्ता भी हम ना दें तो ये प्लांट चल जाता है, और लेकिन जब पानी दो तो अच्छी तरह दो। और नेक्स्ट वॉटरिंग जब हम इसकी करेंगे, जब ये प्लांट पूरी तरीके से 2-3 इंच तक आधा मतलब गमला इसका सूख जाए तब हम इसमें नेक्स्ट वॉटरिंग करेंगे। या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उंगली डालकर देखें, उंगली डालकर ऐसे देखेंगे कि हमारा वाटर इसका पूरा सूख गया है तब हम ये देखिए, ये अभी इसमें हमारे थोड़ा सा वाटर है, तो आज हम इसकी वाटरिंग नहीं करेंगे, इसको हम पानी अप कर देंगे। इस प्लांट को ये है कि इसको हम ज़्यादा सूखा छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा लगे हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम उस दिन पानी ना दें और नेक्स्ट डे हम पानी दें, तो ज़्यादा सूखे में ये प्लांट चल जाता है, लेकिन ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर सकता है। और इसको धूप फुल सन चाहिए, लेकिन अगर ये ज़मीन में है तो ये फुल सन इसके लिए ठीक रहता है, लेकिन अब जब ये गमले में है तो हम क्या करें कि गमले में हम देखें कि इसकी पत्तियां जल तो नहीं रही हैं या बहुत ज़्यादा इसको सूख तो नहीं रही हैं। तो गर्मियों में हम इसे बहुत तेज़ धूप में ना रखें, क्योंकि देखें यहाँ पर जैसे ओमान में या इंडिया में जिन जगहों पर रेगिस्तान जैसी जगहों पर बहुत तेज़ धूप होती है, तो वहाँ पर फुल डे की धूप में हमें नहीं इसे रखना चाहिए। एक चीज़ आपको और बता दें कि जैसे इसको है कि अगेव का प्लांट आउटडोर है और ये डायरेक्ट सनलाइट में चलता है, ऐसा नहीं। अगर आपने बरामदे वगैरह में रखा है जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट पड़ती है तो आप उसको वहाँ भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में बरामदा है, आपको वहाँ पर इसे अच्छा लगता है आपको रखना, तो आप उसे वहाँ भी रख लें। बस यही कि उसमें पानी वगैरह का आपको बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि बरामदा में है, धूप तो ज़्यादा आएगी नहीं, तो इसकी मिट्टी भी जल्दी सूखेगी नहीं। तो आपको देख कर मिट्टी चेक करके जब मिट्टी इसकी सूख जाए तो उसी हिसाब से आपको पानी देना है। अच्छा, ये प्लांट को लगाने का एक तरीका, तो हम गमले में घर में है तो हम गमले में लगा के रखते हैं, और इसका एक तरीका है कि आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन है और बड़ा सा मैदान है तो आप एक कॉर्नर पर मिट्टी डाल दें, ऊंची सी कुछ पत्थर डाल दें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें और उसके ऊपर इस प्लांट को ऐसे बड़ा सा जो है लगा दें, और उसके आसपास छोटे छोटे फ्लावरिंग वाले सीजनल फ्लावरिंग वाले पौधे भी लगा दें, तो वो बहुत ही प्यारा सीन होता है, बहुत खूबसूरत वो आपका मैदान हो जाता है, गार्डन हो जाता है। तो मैंने आपको अगेव प्लांट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसकी रिपोर्टिंग कैसी करनी है, इसकी बेबीज को निकाल कर मैंने ये देखिए इधर रख दिया है रिपोर्ट करके, और इनकी जो है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।